गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को नगर में हुई झमाझम बारिश के चलते निचले स्थानों पर जल भराव हो गया। सतवास मार्ग स्थित माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के सामने भी जल भराव हो जाने से स्कूली बच्चों को पानी में से होकर गुजरना पड़ा। गणेश चौक से लेकर नगर परिषद कार्यालय तक इसके अलावा नगर में और भी 4-5 स्थानों पर जल भराव की स्थितियां निर्मित हुई। इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष जाट, उपयंत्री विवेक बेलिया ने बताया कि नगर में कई स्थानों की भौगोलिक स्थिति ढलान वाली होने के कारण जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। पानी निकासी में तत्काल प्रबंध किए जा रहे हैं इन समस्याओं के स्थायी हल के लिए नगर परिषद द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूर होने के बाद इस समस्या से नगरवासियों को निजात मिल सकेगी। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। तो ये उसके कारण स्कूल का पूरा प्रांगण जलमग्न हो गया है। बच्चों को निकलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। सतवास रोड जो बनी है, रोड ऊंची होने से हमारा प्रांगण नीचा है, उसके कारण जल की निकासी नहीं हो रही है। इसके संबंध में नगर पंचायत को 2 बार हमने लिखित में अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई वो समाधान नहीं निकला है और बच्चों को और शिक्षकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।